तो पंजाब पहुंच गए ने। उन्होंने डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी है, तो शुरुआत की है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हल्के दे विच। चन्नी के हल्के दे विच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरवाजे दरवाजे ते जाके घूमे ने। भगवंत मान ते अनमोल गगन मान नूं नाल लैके उन्होंने डोर टू डोर मुहिम शुरू की है। जिवें चोण कमिश्न ने हदायतां जारी कीतियां होईयां ने कि 5 जणियां तों वध डोर टू डोर मुहिम दे विच नहीं जा सकदे, उसे तरीके दे नाल इह पूरी पालना कर रहे ने। लोकां दे घर घर जाके पैंफलेट वंडे। आम आदमी पार्टी दे वल्लों सरकार बण ते कीते जाण वाले कम्मां दा वेरवा इन्हां पैंफलेट्स दे विच वंडिया गया है। लोगों नूं आम आदमी पार्टी नूं वोटां देण दी केजरीवाल ने हथ बन बन के अपील की। नौकरियां दे वादे भी कीते ते होर जिहड़े इन्होंने वादे गरंटियां दित्तियां ने वो सारियां जिहड़ियां लोगों नूं गिणवाईयां ने। बच्चों के नाल, बजुर्गों के नाल, बीबियों के नाल गल करदे केजरीवाल देखे गए। लोग बहुत दुखी हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं और इस बार सब मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होगा। अभी हमने कई घर किए, मुझे तो लगता है 100% लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का प्रॉमिस किया है। और मैं आज सारे अपने पंजाब के सारे वॉलंटियर्स को भी कहना चाहूँगा कि मैंने, भगवंत मान ने, हम दोनों ने भी डोर टू डोर चालू कर दिया। अब किसी भी वॉलंटियर को अपने घर नहीं बैठना, चुनाव तक सब लोगों ने डोर टू डोर जाके एक 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 घर जाना है, सब लोगों को उसे बात करनी है और सब लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर। डोर टू डोर मुहिम शुरू करने के नाल नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक दिन पहला कांग्रेस पंजाब दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल का खाका पेश किया, तो दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली तो बोझे विच पा के पंजाब मॉडल पहुँच गए ने। उन्होंने इत्थे आके 10 जिहड़े मुख बिंदु ने अपने पंजाब मॉडल दे ओ लोकां नूं दसे ने। यह दावा भी किया कि कई दहाकियां तो जिहड़ा कांग्रेस ते बादल परिवार का गठजोड़ चले आ रहा है, इस वारी तय है कि सूबे दे लोक बदलाव लियाउणगे, चंगे दिन आउणगे। पर लोग यह भी डरते हैं कि चंगे दिन बीजेपी वाले ना आ जाण, क्योंकि बीजेपी भी यही नारा लैके सत्ता दे विच आई सी कि अच्छे दिन आएंगे, तो लोग हुण पुछदे ने अच्छे दिन कदों आउणगे। अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ा पंजाब मॉडल पेश किया है लोगों के सामने रख्या है, उस दे विच 10 वड्डे ऐलान किए ने, 10 नुकाती एजेंडा जिहड़ा वह लोगों की झोली पाया है। तो पंजाब के सबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ा वादा किया सी पंजाबियों के नाल 2012 दे विच कि असीं 4 हफ्तियां दे विच नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, उही जिहा एक वादा अरविंद केजरीवाल दे मॉडल दे विच वी है। एक तो रुजगार का उन्होंने वादा दिता है, नशा मुक्त पंजाब का दिता है, पंजाब च शांति व्यवस्था कायम करांगे, नाल ही भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब देंगे। सिक्ख्या 5वां एजेंडा है, सेहत भी इन्हों का 6वां एजेंडा है, बिजली है जिहड़ी 24 घंटे मुफ्त देंगे, उस तो बाद 18 साल तो उपर उम्र वाली हर औरत नूं 1000 रुपये पेनशन, यानी कि सारा कुछ उही है, कोई नवीं गल नहीं है। जिहड़े पहलां गरंटियां दित्तियां जा सकियां चुकियां ने उन्हां गरंटियां दा ही ऐलान किया गया है। खेती व्यवस्था नूं ठीक करांगे, व्यापार ते इंडस्ट्री दे बारे भी उन्होंने वादे किए ने, ईमानदार व्यवस्था लागू करन दे। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वह तुसीं भी सुन लो। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार, दूसरा एजेंडा है नशा, तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना, चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, पांचवां शिक्षा, छठा हेल्थ, सातवां बिजली, आठवां है हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे, नौवां है खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, और 10वां पॉइंट है व्यापार और इंडस्ट्री। अब इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, ये सारी इकट्ठी हो गई हैं पंजाब को फिर से हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को फिर से हराने के लिए। लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है, हम भी तैयार हैं, पंजाब भी तैयार है, इन सारी पार्टियों के मनसूबों को नाकामयाब करेंगे। आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया जिहड़ा विंग है वह भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मजबूत है। जदों आम आदमी पार्टी है जिहड़ी वह इस मुल्क दे विच आई सी, तां सोशल मीडिया का जिहड़ा वातावरण है, सोशल मीडिया का माहौल है, वह आम आदमी पार्टी ही लैके आई सी। तो सोशल मीडिया के उत्ते जो अरविंद केजरीवाल अपना लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे थे, तो थले लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, लोगों के वक्ो वक्रे कमेंट से, कई हमायत करने वाले कमेंट भी सी, कई सवाल पूछने वाले कमेंट भी सी। तो एक कमेंट जिहड़ा फेसबुक पर उन्होंने ही आम आदमी पार्टी पंजाब के पेज पर
लोगों ने वड्डी गिनती विच कीता है वो ये कि अरविंद केजरीवाल जी प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं रिहा करो क्योंकि तुसी तत्थां तो भली भांत जाणू हो पर तुहाडी उम्मीदवार बलजिंदर कौर जगा राम तीरथ दे दसन मुताबिक तुसी फाइल ते दस्तखत ये कह के नहीं कर रहे कि तुसी हिंदू वोटां टुटण दे डरों प्रोफेसर भुल्लर नूं रिहा नहीं करना चाहते। तुहाडे उम्मीदवार मनविंदर सिंह ग्यासपुरा भी दसते हैं कि प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की फाइल तुहाडे घर पई है, तुसी ढुकवें समय की उड़ीक कर रहे हो। आखिरकार तुसी किहड़े समय दी उड़ीक कर रहे हो? प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई ऑर्डर से दस्तखत करो। इस तरह के सुनेहे ने जिहड़े ओह वड्डी गिनती दे विच देखे गए। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच जो पत्रकारां ने सवाल पूछे तो सब तो अहम सवाल कि मुख्यमंत्री दे चेहरे का ऐलान कदों करोंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने चंद शब्दों च गल नबेड़ दी, अगले हफ्ते ऐलान करूँगा। अगले हफ्ते यानी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों के लिए सीएम चेहरा जेब दे विच पा के लैके आउणगे, हुण उह किहड़ा चेहरा होएगा यह सब तो वड्डा सवाल है। कहिंदे इन्ना तुसीं लंबा समा इंतजार कर लिया, थोड़ी जी उड़ीक होर कर लो। अरविंद केजरीवाल दी उड़ीक है जिहड़ी उह लोक हाले तक कर रहे ने, ते लोक ये सुनेहे भी दे रहे हैं कि जे ऐतकी तुसी लेट हो गए तो फिर लोगों ने भरोसा नहीं करना, जिन्ना छेती कर सकते हो ऐलान कर दियो। अगले हफ्ते आऊंगा जी, अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको, एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। पटियाला जिले जिहड़े अखबारां दे विच पा के पैम्फलेट वंडे गए जिन्हां ते लिखिया सी कि पैसे भावें तुसी दूसरियां पार्टियां तो लै लो पर वोटां आम आदमी पार्टी नूं पायो। पत्रकारां ने सवाल पुछया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पैम्फलेट साडे नहीं हैगे, लोग खुद कह रहे ने पैसा इन्हां पार्टियां तो लवांगे ते वोटां आम आदमी पार्टी नूं पावांगे। कहिंदे सुखबीर बादल नूं हुण बड़ा मजा आउण वाला है, ये पंजाब दे लोक वंड रहे ने, असीं नहीं वंडे। मैं सुखबीर बादल साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कितना पैसा रख रखा है बांटने के लिए पंजाब में, जरा सा बता दे पंजाब के लोगों को। सुखबीर बादल को क्या लगता है पंजाब के लोगों के वोट खरीदेंगे वो? पंजाबियों के वोट बिकते हैं? पंजाबी मर जाएगा वोट बेचने वाला नहीं है। इस बार गली गली के अंदर आवाज है, मैं जहां जाता हूं पंजाब में हर गली के अंदर लोग कह रहे हैं जी पैसे हम उनसे ले आएंगे, वोट आपको करेंगे। इस बार सुखबीर बादल को मजा आने वाला है जब वो चुनाव में जाएगा। पैम्फलेट हमारे नहीं है, पंजाब के लोगों के हैं, पंजाब के लोग बांट रहे हैं और पंजाब के लोगों की आवाज है, हमने ऐसा कोई पैम्फलेट नहीं बटवाया। संयुक्त समाज मोर्चे बारे भी पत्रकारों ने सवाल पूछा तो फिर एक तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल ने बलबीर सिंह राजेवाल जिहड़े कि संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी दे वल्लों सीएम चेहरे दे उम्मीदवार ने, उन्हां दी एक तरीके दे नाल कह सकदे हां कि इनसल्ट करन दी कोशिश कीती। कहिंदे मेरे घरे आए सी, मेरे तो उन्होंने 60 टिकटां मंगियां, मैं कहा सी सारी पार्टी तुहाडी है पर असीं 90 टिकटां वंड चुके हां, 27 बचियां ने, इन्हां विचों 10-15 जिहड़ियां तुसीं लैणियां ने लै लो। फिर कहिंदे साडी गल नहीं बन सकी, पर इह वी केजरीवाल ने कबूल कीता है कि जे किसानां दी पार्टी चोणां दे विच नित्तर आई है तां साडे वोट बैंक नूं जरूर धक्का लगूगा, नुकसान होऊगा साडी पार्टी नूं, इह कबूली है गल केजरीवाल ने। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी, उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। उधर एक दिन पहला अखबारों के ये खबरां भी छपियां कि किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने अरविंद केजरीवाल से हुण निशाने कसने शुरू कर दिते ने। कित्थे तां कहिंदे सी कि इस पार्टी के नाल असीं गठजोड़ करांगे, हुण दोवें लीडर एक दूसरे के उत्ते निशाने कस रहे ने, कोई घट नहीं। राजेवाल ने कहा कि बदलाव ते भ्रिष्टाचार मुक्त सरकार दा दावा करन वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच पैसे लैके टिकटां वेचियां ने, साडे कोल इहदे पुख्ता सबूत ने, समां आउण ते इहनूं जनतक करांगे, ये कहा सी राजेवाल ने। अखबारों के जिहड़ियां खबरां छपियां ने वो तुसी देख सकते हो।
ते ए सवाल फिर अरविंद केजरीवाल नूं भी पुछया गया। तां अरविंद केजरीवाल ने पैसे लैके टिकटां देण दे दोषां नूं बेबुनियाद दसदिआं कहा कि जे दोष साबित हो जाण तां उन्हां उम्मीदवारां नूं मैं चोण मैदान चों हटा देंगा। केजरीवाल ने राज्यवाल नूं भी अपील की उम्मीदवारां नूं चोण मैदान चों हटाउण दे नाल नाल कि जे उन्हां दे कोल राज्यवाल दे कोल कोई भी सबूत ने तां मैनूं देण दी जरूरत नहीं है, उह लोकां नूं सबूत देण। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उलझलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने उलझलूल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। मेरी राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी हैं, ज़रूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। पत्रकारा ने नशा तस्करी मामले दे विच जमानत जिन्हां नूं मिल चुकी है बिक्रम सिंह मजीठिया दे बारे भी सवाल पूछा गया कि तुसीं तां माफ़ी मंग गए सीगे, तां फिर केजरीवाल ने बड़ी चलाकी वाला जवाब दिता। कहिंदे मेरी माफ़ी दे नाल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का की लैणा देणा, मैं किहड़ा चन्नी सरकार का हथ फड़िया जाके भी उन्हूं गिरफ़्तार ना करो। गिरफ़्तार करना चाहिंदा सी, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि सिर्फ ड्रामा सी। केजरीवाल ने बड़े ही चलाकी भरे तरीके दे नाल गल इधर उधर घुमा दिती। कहिंदे पंजाब जरूरी है कि केजरीवाल जरूरी है, हालांकि मजीठिया एक वरी भी नाम केजरीवाल ने अपने मुंह चो नहीं लिया, यही कहते रहे कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नूं मैं कदों रोकिया। मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका उससे क्या लेना देना है। मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना, उसका इससे क्या लेना देना है। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है, एक फर्जी एफआईआर कर दी, फर्जी एफआईआर करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है, और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में, अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। अरविंद केजरीवाल की इस फेरी तो बाद विरोधियों ने निशाने तो लाने लाने सीगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ते कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने अरविंद केजरीवाल की डोर टू डोर मुहिम से सवाल चुके। कहते चोण कमिशन नू अरविंद केजरीवाल ते कार्रवाई करनी चाहिए है, इल्जाम लाया कि केजरीवाल पंजाब दे विच करोना फैलाउण दे लई आउंदे ने। हालांकि चोण कमिशन ने 5 जणियां नूं डोर टू डोर कैंपेन लई जाण वास्ते इजाजत दित्ती है, पर वेरका ने इल्जाम लाया कि केजरीवाल दे नाल 5 तों वध लोक नज़र आए सन, जिस करके उन्हां ते कारवाई होनी लाजमी है। वेरका ने भी दस्या कि केजरीवाल नूं तां खुद भी करोना होया सी, उन्हां ने इस दी जानकारी दित्ती सीगी। उधर कांग्रेस दे सीनियर लीडर अते आनंदपुर साहिब तों लोक सभा मैंबर मनीष तिवाड़ी अपनी ही पार्टी नूं लगातार